निक्की के चाचा का बड़ा बयान, मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए और आरोपी साहिल को फांसी की सजा मिले। पुलिस परिवार को गुमराह कर रही है, बड़ा आरोप लगाया है पुलिस पर निक्की के चाचा ने। आरोपी साहिल के लिए फांसी की सजा मांग रहा है मृतक निक्की का परिवार। दोनों 5 साल से लिव इन में रहते थे, लेकिन साहिल कहीं और शादी कर रहा था, सगाई की, उसके बाद निक्की से मिलने के लिए आया, दोनों के बीच नोकझोंक हुई और उसने बेरहमी से निक्की का कत्ल कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरी तो ये कि वो होगी कि ऐसे आदमी को फांसी की सजा दी जाए। अगर ऐसा आदमी छोड़ दिया जाएगा या ढीला छोड़ दिया जाएगा तो आज हमारी बेटी के साथ होया, कल किसी और की के साथ होगा। ठीक, तो ये ऐसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो सरकार बोल रही है, तो इसमें एक ही काम होगा, कोई भी कर लो, या तो बेटी गवा दो या बेटी पढ़ा लो। दिल्ली के निक्की मर्डर केस को लेकर आरोपी साहिल की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। साहिल ने निक्की की हत्या करने के बाद मोबाइल फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया। साहिल निक्की के परिवार को भी गुमराह करता रहा। मर्डर के बाद उसने चुपचाप शादी की, लेकिन सारा पोल खुल चुका है। एक कहानी जो 5 साल पहले शुरू हुई थी वो मौत के सफर पर जाकर रुकेगी, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिल्ली के निक्की मर्डर केस में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल पूरे झगड़े की शुरुआत साहिल की सगाई से शुरू होती है। निक्की साहिल से बेइंतहा प्यार करती थी। 9 फरवरी को साहिल ने किसी और लड़की से सगाई कर ली। निक्की को जब सगाई की बात पता चली तो दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। साहिल बेहद शातिराना अंदाज में सब कुछ कर रहा था। 9 फरवरी को दिन में दिल्ली में सगाई करने के बाद आरोपी साहिल अपने भाई आशीष की कार लेकर उत्तम नगर के परमपुरी इलाके में मौजूद निक्की के उस फ्लैट में पहुंचा था जहां वो अपनी बहन के साथ किराए पर रहती थी। निक्की और साहिल की प्रेम कहानी में यहीं से ट्रेजेडी की शुरुआत होती है। रात 1 बजे के करीब साहिल निक्की के फ्लैट पर पहुंचा। दोनों ने गोवा जाने का प्लान बनाया था। 10 फरवरी की सुबह निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गोवा जाने की ट्रेन भी थी, लेकिन साहिल को टिकट नहीं मिल पाया। साहिल देर रात निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अपने लिए टिकट लेने गया था, लेकिन पुलिस साहिल की बात से इत्तेफाक नहीं रख रही है क्योंकि साहिल के पास कोई भी लगेज बैग नहीं था, जबकि निक्की की लाश के पास से एक लगेज बैग मिला है जिसमें निक्की के कपड़े और कुछ पैसे थे। साहिल को जब टिकट नहीं मिला तो दोनों ने हिमाचल जाने का प्लान बनाया, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। दोनों को हिमाचल जाने की बस नहीं मिली। इसी बीच सुबह हो गई थी। थोड़ी देर बाद दोनों निगम बोध घाट पहुंचे। इस दौरान साहिल और निक्की के बीच में कुछ नोकझोंक हुई। पुलिस के मुताबिक साहिल ने कार के अंदर मौजूद डेटा केबल से निक्की की गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। साहिल पुलिस से बचने के लिए निक्की की लाश को लेकर अपने गाँव गया जहाँ उसने एक फ्रिज में डेड बॉडी को छिपा दिया। इसके बाद साहिल शाम के वक्त अपनी बारात लेकर हरियाणा के मनहोटी गांव पहुंचा और शादी की।